डीडवाना के नया जिला बनने के बाद डीडवाना में नए जिला स्तरीय कार्यालय खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके तहत जिला मुख्यालय पर अब तक 14 जिला स्तरीय कार्यालय खुल चुके हैं, जबकि कई और कार्यालय आगामी दिनों में खुलने वाले हैं। डीडवाना जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने बताया कि डीडवाना कुचामन जिले के अस्तित्व में आते ही जिला गठन की कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसके तहत आमजन से जुड़े 14 विभागों को डीडवाना में खोला जा रहा है, जिनमें से लगभग 10 कार्यालय डीडवाना में अब तक खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही पुलिस लाइन, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, जिला कोषागार, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, प्रजनन एवं बाल विकास विभाग, परिवार कल्याण विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नगर परिषद जैसे कार्यालय अब तक खोले जा चुके हैं। वहीं बाकी जिला स्तरीय कार्यालय को खोलने की भी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। बाकी बचे विभागों की अधिसूचना जैसे ही राज्य सरकार जारी करेगी, वैसे ही तत्काल उन्हें यहां संचालित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक जिन विभागों को यहां खोलने की स्वीकृति मिली है, उन्हें डीडवाना में उपलब्ध मूल कार्यालय या उपलब्ध सरकारी भवनों में संचालित किया जा रहा है। जैसा राज्य सरकार ने 7 अगस्त को जरिए नोटिफिकेशन डीडवाना कुचामन नया जिला बनाया है, तो नए जिले के अस्तित्व में आते ही जिला स्तरीय जो कार्यालय है उनके गठन की कार्यवाही चालू हुई है और राज्य सरकार के स्तर से इस पर तेज़ी से कार्यवाही करते हुए प्रथम चरण में लगभग 14 ऐसे विभाग जो आमजन से सीधे जुड़े हुए हैं उनके क्रिएशन का कार्य चल रहा है, जिसमें से काफ़ी कुछ 8-10 कार्यालय अब तक यहाँ पर क्रिएट भी हो गए हैं, सृजित भी हो गए हैं, जिसमें जैसे हम बात करें तो हमारा जो शिक्षा वाला कार्यालय जिला स्तरीय उसका क्रिएशन हो गया है, एडिशनल सीओ का क्रिएशन हो गया है, ट्रेजरी का क्रिएशन हो गया है, साथ में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो डिस्कॉम है उनका क्रिएशन उनके कार्यालय का हो गया है, CMHO है उनका कार्यालय का हो गया है, साथ CMHO के साथ में जो प्रजनन और बाल विकास वाला जो कार्यालय है वो और परिवार कल्याण वाला कार्यालय जिला स्तरीय वो भी सृजित हो गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारा जो डूइट वाला जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला विभाग है उसका भी हमारे यहाँ क्रिएशन हुआ है। तो आज ये कल के जो आदेश निकला उसमें नगर पालिका को, चूँकि जिला स्तर पर नगर परिषद होती है तो नगर परिषद में क्रमोन्नयन कर दिया गया शीतलन करके, तो ये क्रम चल रहा है लगातार और राज्य सरकार इसमें बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रही है ताकि नए जिलों को शीघ्र ही प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सके और उनकी गतिविधियों को शुरू करवा सके।